हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ सिम्फनी कंपनी के 110 लीटर्स डेजर्ट एयर कूलर का। और इस कूलर में प्रोवाइड किया गया है टच पैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यहाँ पर देखी जा सकती है इसकी डिज़ाइन। और इसके साथ मिलता है हमें फुल फंक्शन रिमोट, और ये इसका साइड व्यू, और यहाँ पे दी गई इसके फीचर्स। 142 मीटर क्यूब तक के एरिया के लिए ये कूलर यूज़ किया जा सकता है। इसमें टच स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। वॉइस असिस्ट का फीचर भी दिया गया है। मॉस्किटो रिपेलेंट लगा है। और इस कूलर में टोटल 6 कूलिंग पैड्स प्रोवाइड किए गए हैं। और फुल्ली कोलैप्सिबल लॉवर्स दिया गया है जिससे गंदगी अंदर नहीं जाती है। यहाँ पर देखी जा सकती है इस कूलर की स्पेसिफिकेशंस। इसका मॉडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, टच 110। और नेट वेट यहाँ पे दिया गया है 21.4 केजी का नेट वेट है। प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है। 6 व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं और एक रिमोट और एक पेडेस्टल मिलता है। ये कूलर 205 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है और इसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है 220 से 240 वोल्ट्स की। इस कूलर की MRP है 19,999 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आप इस कूलर को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस कूलर की अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके आप पैनल को देख सकते हैं। ये कोलैप्सिबल लॉवर्स प्रोवाइड की गई है। जस्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पैनल को ओपन करने के बाद ये कैसा दिखता है। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे हमें ओपन नहीं करना है मैनुअली, और ये ऑटो ओपन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलिंग पैड्स लगा है और एयर वेंट्स के लिए स्पेस दी गई है। और यह है इसकी अदर साइड। सबसे पहले हम इसके सारे साइड्स को क्लोजली देख लेते हैं। एक रोबस्ट क्वालिटी का अच्छा एयर कूलर ये दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर इनलेट पॉइंट दिया गया है। इसके अंदर आपको वाटर फिल करना होता है। दोनों साइड में एक वाटर इनलेट दिया गया है। और इसे जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको कूलिंग पैड्स दिखती है। इस कूलर में यूज़ किया गया है वुडवुल ग्रास कूलिंग पैड। ये कुछ इस तरह से आप इसके फिल्टर को फिर से फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कूलिंग पैड लगा है। सो टोटल दोनों साइड मिला के 6 कूलिंग पैड प्रोवाइड की गए। और इसके नीचे 6 व्हील्स प्रोवाइड की गई है। कूलर के बॉटम में प्रोवाइड किया गया है इसका ड्रेन पॉइंट और ओवरफ्लो पॉइंट। उसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे ब्लू कलर का आपको ड्रेनेज पॉइंट दिखता है जिससे पानी बाहर निकलती है। बैक साइड में एक अच्छा ग्रिप प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं एक हैंडल दिया गया है जिसकी मदद से आप इस कूलर को मूव कर सकते हैं। IPR टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसमें बहुत सारी फिल्टर्स लगी है जो मदद करती है एक प्योरीफाइड एयर थ्रो में। इस साइड में भी एक वाटर इनलेट पॉइंट दिया गया है और 3 कूलिंग पैड प्रोवाइड की गई है। यह है इसका वाटर इनलेट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट से आपको दिख रहा होगा कैसे इसे ओपन करना है। सेम तरीका है इसके चारों साइड के फिल्टर को निकालने का, और ये वापस से कुछ इस तरह से फिक्स हो जाती है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है जिसमें सारी फंक्शंस दी गई है। फैन, वर्टिकल स्विंग, हॉरिजेंटल स्विंग्स, पंप को कैसे यूज़ करना है, यूवी लाइट, एंटी मॉस्किटो एंड टाइमर। यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इस कूलर की डिटेल्स। एक स्टिकर लगा है और दोनों साइड से आप इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। जैसे ही आप इसमें पावर कनेक्ट करते हैं ये स्विच ऑन हो जाती है, और उसके बाद आपको वॉइस असिस्ट ये प्रोवाइड करेगी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कैसे मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। आपको एक LED इंडिकेटर वहाँ पे जलता हुआ दिखेगा। आप इसे टच करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस पर प्रोवाइड की गई है टच कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विंग कर रहा है। वर्टिकल स्विंग एंड हॉरिजेंटल स्विंग आप दोनों सेट कर सकते हैं
जैसे ही कोई फंक्शन आप सिलेक्ट करेंगे ये कूलर वॉइस प्रॉम्प्ट करती है। बहुत इजी है इसे कंट्रोल करना और इसकी एयर थ्रो भी बहुत अच्छी है, देखने में एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन एंड आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सिम्फनी कूलर के मामले में बेस्ट माना जाता है। कूलर में पानी भरे बगैर हमें कूल फंक्शन को यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं कूल बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर सभी फंक्शंस को बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक छोटे समय में आपको दे सकूँ। दोनों साइड में एक एक स्पीकर लगी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टच कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये कूलर वॉइस प्रॉम्प्ट करती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी फंक्शन में सेट हुई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने सिम्फनी कंपनी के टच 110 कूलर मॉडल के बारे में आपको बताया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए कूलर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।